वचनबद्धता, कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था, जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे वादे ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इस्तेफाक से नहीं मिलती, या हमारे नजरिए का नतीजा होती है। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं, तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं। लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं, तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं, तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेल रहे होते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियां कभी बनेगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक ना तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं, और ना ही धारा के साथ बहकर। आपको हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच क्या फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में संपूर्ण की भावना होती है, वो अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वो समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्तियों को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता था और थक कर रुक जाता था, तो मुझे उत्साह होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता था कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं मेहनत करने लगता, और जब मैं देखता कि वो थक कर आराम कर रहा है, तो मैं और कड़ी मेहनत करने लगता। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहां हैं वहां पर रुकना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाजों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन वे बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए तो बनाए नहीं गए, और उनमें इसीलिए नहीं बनाए गए कि वो बंदरगाह पर खड़े रहें। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यही फर्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में ना तो जीतने का संकल्प होता है, और ना ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वाले को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा, उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग ना हारने के लिए खेलते हैं, वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने वाले कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डर कर अपना जोश गवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीतने वाले अक्सर तलाशते हैं। हारने वाले
आपको मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करता है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। हमारी चाहतें तो बदल जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीज़ों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही बढ़ती है।